हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू, फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे। और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है, जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है। जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है, क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू, फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे। और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है, जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है। जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा
जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहाँ वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू, फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे, और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई, शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी सेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू, फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे, और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई, शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य
तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सध्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहां शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहाँ वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू, फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है, जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई, शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सध्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू, फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी
की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई, शेड्यूल तिरुचिरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी सेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में प्रारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहां शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनतारा अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई, शेड्यूल तिरुचिरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी सेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में प्रारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनतारा अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस
वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे, और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है, क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहाँ वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे, और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है।
यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी सेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया।
फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई, शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना
देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है, क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है, जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है, क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस
वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई, शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी सेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में प्रारंगत होनी चाहती थी लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहां शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनतारा अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई, शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी सेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में प्रारंगत होनी चाहती थी लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है।
यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सिर्फ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी सेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सिर्फ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया।
फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में प्रारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई, शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में प्रारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना
देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है, क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनतारा अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है, जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है, क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनतारा अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस
वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो नाद स्टूडियो और ट्राइडेट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा जहां शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो नाद स्टूडियो और ट्राइडेट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है।
यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया।
फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सध्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सध्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना
देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचिरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है, क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनतारा अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है, जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचिरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है, क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनतारा अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस
वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहाँ वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी ओवी भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है।
यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी सेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया।
फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज्यादा जहां शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई, शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज्यादा जहां शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना
देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज्यादा जहां शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनतारा अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है, जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज्यादा जहां शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनतारा अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस
वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे, और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है, जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई, शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है, क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहाँ वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे, और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है, जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई, शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है।
यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सिर्फ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी सेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सिर्फ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया।
फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहां शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनतारा अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी ओवी भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई, शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनतारा अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी ओवी भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना
देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है, क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनतारा अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है, जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है, क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनतारा अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस
वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है।
यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जय और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया।
फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो शेफ बनने के सपना
देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है, क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनतारा अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है, जो शेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी, क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी शेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है, ज़्यादा जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है, क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनतारा अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस
वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी सेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहां शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है। यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं, जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में, युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णाएं द गॉडेस ऑफ फूड के नई मूवी पर। आज की इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा द गॉडेस ऑफ मूवी के रिव्यू फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में जानकारी देंगे और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नज़र आए हैं, इस फिल्म की कहानी क्या हो है। तो यह 2023 की भारतीय तमिल भाषा की पॉक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्देशन नीलेश कृष्णा ने किया और यह जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और ट्राइडेंट आर्ट्स के तहत जतिन सेठी और आर रविचंद्रन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में जय और सत्यराज के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं। यह अन्नपूर्णी की कहानी है जो सेफ बनने के सपना देखती है और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते समय उसे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2022 को अस्थायी शीर्षक नयनतारा 75 के साथ की गई थी क्योंकि यह नयनतारा की मुख्य भूमिका में की 75वीं फिल्म है, जबकि फिल्म में शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में चेन्नई में शुरू हुई शेड्यूल तिरुचेरापल्ली में आयोजित किया गया और सितंबर 2023 में मध्य तक पूरा हो गया। फिल्म में संगीत थमन एस ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सत्यन सूर्यन ने संभाली है और संपादन प्रवीण एंथोनी ने किया है। अन्नपूर्णा 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इस समीक्षकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता नयनतारा, जया और सत्यराज हैं। इस फिल्म में अन्नपूर्णा एक महत्वाकांक्षी सेफ है, हालांकि वह विभिन्न प्रकार के मांसाहारी भोजन में पारंगत होनी चाहती थी, लेकिन वह एक ब्राह्मण परिवार से है ज़्यादा, जहाँ शायद अनिवार्य रूप से शाकाहारी है।
यह एक बाधा साबित होती है क्योंकि उसके पिता श्री रंगम मंदिर के पुजारी हैं जहां वह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला भोजन पकाते हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी बेटी अन्नपूर्णिनी भोजन की हिंदू देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म है। इसके बावजूद अन्नपूर्णा अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करना चाहती है। नयनताना अन्नपूर्णी रंगराज के रूप में युवा अन्नपूर्णी के रूप में भी अवि भंडारक हैं।